हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर आनंद स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में प्लांट ब्रीडिंग के 100 ऑब्जेक्टिव्स जो हर बार अलग अलग एग्ज़ाम में आते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है द एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट अगर एम कौन सा होगा तो इंक्रीज द डिज़ायरेबल जीन्स इन द प्लांट्स। हम प्लांट्स को सेलेक्ट करके डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इम्प्रूव करते हैं। दूसरा, सिंक्रोनस मैच्योरिटी इज एन इम्पोर्टेंट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। तो ये ग्रीन ग्राम मूंग में, पीजेनपी में, सोयाबीन में, कॉटन में सिंक्रोनस मैच्योरिटी का ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। प्लांट ब्रीडिंग इज एन ए आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी। प्लांट ब्रीडिंग ये तीनों है तो इसको भी ज़रूर याद रखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ क्रॉप। तो इसमें डिटर्मिनेट ग्रोथ आपके कॉटन में ज़रूरी है क्योंकि हमें वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं चाहिए। केसरी जो लेथरस सटाइवस है, सीड हैविंग विच टाइप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, तो इसका न्यूरोटॉक्सिन होता है। बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है जिसको BOAA बोलते हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, तो ये सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो जोधपुर में है। नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन जो है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अराइड क्रॉप्स, जूट और अलग क्रॉप्स के लिए बरकपुर इसका सेंटर है, शिमला पोटैटो कटक राइस में है। एट्थ क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये वाराणसी में सिचुएटेड है, कंफ्यूज मत होइए। नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हम सब जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फादर है एनी बोरलॉग फॉर वर्ल्ड है, और इंडिया के लिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो है एम एस स्वामीनाथन। वो है टेंथ क्वेश्चन, द साइंटिस्ट आइडेंटिफाई 8 मेन सेंटर एंड 3 सब सेंटर ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी। तो एनआई वेविलाव ने जो है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी दी थी। 11th क्वेश्चन, इक्री सेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो है वो लोकेटेड एट हैदराबाद। 22 बार कट करके जर्मप्लाज्म थ्योरी दी। 12th क्वेश्चन, वेविलाव गिवन हाउ मेनी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। तो वेविलाव ने अभी हमने देखा कि 8 मेन प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे और 3 जो है सब सेंटर दिए थे। 13th क्वेश्चन, इन सम केस स्मॉल एरियाज विद इन अ सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिबिट ट्रिमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सम क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं माइक्रो सेंटर। ये छोटा सा एरिया होता है जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करता है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सिट्रस, सिट्रस के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर जो है वो नागपुर में सिचुएटेड है। करनाल में वीट है और हैदराबाद में अभी हमने देखा कि इक्रीसैट है और वाराणसी में वेजिटेबल का है। लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ द सीड -- डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड -- मॉइस्चर परसेंट इज फॉलोइंग। तो इसका ऑप्शन -20 और 5% मॉइस्चर है। द टर्म प्योर लाइन इज गिवन बाय जॉनसन इन 1903, और जॉनसन ने राजमा का प्रिंसेस वैरायटी है उसमें टर्म प्योर लाइन दी थी। सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर सोयाबीन, सोयाबीन का सेंटर ऑफ ओरिजिन चाइना है जो हमारा पड़ोसी कंट्री है, इसलिए बार बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देन सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर मेज, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर मेज जो है वो मेक्सिको है, एम से एम याद रखना है। तो जो ट्रॉपिकल क्रॉप है ये, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज, अगर कोई सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है तो उसको हम अपोमिक्सिस बोलते हैं। देन 20th क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये एम्ब्रियो से अगर सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस।
इसको जरूर याद रखिए। अपोमिक्सिस सीड बन रहा है लेकिन कहीं से भी बन सकता है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में एम्ब्रियो से बन रहा है। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय नील्सन इले, और नील्सन इले का मल्टीपल फैक्टर का रेशियो 1:4:6:4:1 व्हीट के कर्नल कलर पे उसने काम किया था। देन इन ऑफन क्रॉस पॉलिनेट क्रॉप्स परसेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ऑब्जर्व, तो ये 5-30% होता है, 0-5% सेल्फ का होता है, मोर देन 30 क्रॉस का होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, उसको हम ऑटोगैमस क्रॉप बोलते हैं, तो ऑटोगैमी इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस क्रॉप, तो मोनोसियस क्रॉप का एग्जाम्पल मेज है, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे लेकिन अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। बहुत सारे कुकुरबिटेसी भी मोनोसियस के एग्जाम्पल हैं। व्हाई मेज इज हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, तो इसमें दो मैकेनिज्म है, पहला तो मोनोसियस क्रॉप है, दूसरा है प्रोटेंड्री, यानी कि मेल इज मैच्योर बिफोर फीमेल। बाजरा इज प्रोटोगाइनस। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, तो उसको हम बोलते हैं अल्लोगैमी। अभी हमने देखा था कि अल्लोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगैमी मतलब सेल पॉलिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ड्यूरेशन मेल एंड फीमेल ऑर्गन ऑफ द बाजरा, अभी मैंने बताया था कि वो प्रोटोगाइनस है और मेज जो है वो प्रोटेंड्री है। एग्जाम्पल ऑफ सेल पॉलिनेटेड क्रॉप्स, तो नीचे दिए गए एग्जाम्पल में से ओनली व्हीट सेल पॉलिनेटेड है, मेज और बाजरा क्रॉस पॉलिनेटेड है, सोरगम ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है। द कंडीशन वेयर फ्लावर ओपन आफ्टर पॉलिनेशन, उसको हम बोलते हैं चास्मोगैमी। क्रिस्टोगैमी में फ्लावर डज नॉट ओपन, फ्लावर रिमेन क्लोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनएबिलिटी ऑफ अ फर्टाइल पोलन ग्रेन फर्टिलाइज द सेम फ्लावर ओहरी, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में पोलन फर्टाइल होता है लेकिन खुद की ओहरी को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। विच टाइप ऑफ मेस्टिलिटी इज मोस्टली यूज इन कल्टिवेटेड क्रॉप्स, तो ये CGMS टाइप की जो मेस्टिलिटी है यह कॉमनली यूज कर किया जाती है। टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेस्टिलिटी इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, तो ये राइस में अवेलेबल है, चाइना में इसको सक्सेसफुली कमर्शियल स्केल पर यूज किया गया है। इन TGMS टाइप ऑफ मेस्टिलिटी लाइन PEIAI465 शोइंग मेस्टिलिटी व्हेन टेम्परेचर इज अबाउट 23.3 डिग्री सेल्सियस। A into B और उसको अगर C के साथ क्रॉस किया जाए तो इस क्रॉस को हम बोलते हैं थ्री वे क्रॉस। डबल क्रॉस में चार पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल में दो। फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं एंथेसिस। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि एंथेसिस मतलब फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द फ्लावर। पोलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। देन बिकॉज ऑफ सेल पॉलिनेशन क्या इंक्रीज होता है, तो ये होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होता है, और बिकॉज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन हेटरोजाइगोसिटी इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल ऑफ हेटरोमॉर्फिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, तो इसका एग्जाम्पल है प्रिम्यूला और लिथरम। तो यहाँ पे प्रिम्यूला ऑप्शन है जिसमें डाइस्टाइली होता है, लिथरम में ट्राइस्टाइली होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप शो पिन फ्लावर टाइप ऑफ फ्लावर, तो ये स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट जीनोटाइप वाले जो है वो थंब फ्लावर जो है वो कैपिटलेस्ट स्मॉलेस्ट के होते हैं। एग्जाम्पल फॉर थ्री टाइप ऑफ स्टाइल लेंथ, तो अभी मैंने बताया था कि लिथरम है। डाइस्टाइली का एग्जाम्पल जो है वो प्रिम्यूला है, जो दोनों सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन विच क्रॉस फुल्ली सेल्फ कम्पेटेबिलिटी विल ऑब्जर्व, तो ये पिन और थंब में पॉसिबल है, पिन और थंब में इनकम्पेटिबल है। इन डैश डैश टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी द रिएक्शन ऑफ पोलन इज गवर्न बाय जीरो टाइप ऑफ द प्लांट, तो जीरो टाइप ऑफ द प्लांट्स ये स्पोरोफाइटिक में होता है और गैमेट के टाइम पे ये गैमेटोफाइटिक में होता है। ईस्ट एंड मैंगेस्टॉप इंट्रोड्यूस द टर्म गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इन निकोटिना सेंडेरिया इन 1925, इन्होंने निकोटिना सेंडेरिया में गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी दी थी। वही गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी जो है नीचे दिए गए कौन से एग्जाम्पल में फुल्ली कंपेटिबल आ सकता है,
तो इसका ऑप्शन है बी S1, S2, S3, S4। जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर CMS जनरली प्रेजेंट इन जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप गलती से क्लोरोप्लास्ट दे सकते हो लेकिन वो रॉन्ग है। जनरली क्लोन्स आर, तो क्लोन जो होते हैं वो हेटरोजाइगस होते हैं और होमोजेनस होते हैं, इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन होने के कारण हेटरोजाइगस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोन, दे आर होमोजाइगस। अभी हमने देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन के कारण जनरली क्लोन जो है हेटरोजाइगस होते हैं। साइटोप्लाज्मिक मैच्योरिटी कैन बी यूज इन डैश टाइप ऑफ क्रॉप्स, तो CMS हम उन क्रॉप में यूज़ करते हैं जहाँ पे क्लोनल क्रॉप है या वेजिटेबली प्रोपोगेटिंग क्रॉप्स है। अ स्टैटिस्टिकल मेथड असेसिंग द गुडनेस ऑफ द फिट और अ सेट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बेसिस पे ये चाय स्क्वेयर है। द ब्रीडिंग मेथड यूज टू इम्प्रूव सिंगल कैरेक्टर इज बैक क्रॉस, अगर आपको एक कैरेक्टर को डेवलप करना है, मोनोजेनिक लाइन डेवलप करना है, तो हमें बैक क्रॉस लाइन डेवलप करने हैं बैक क्रॉस मेथड से। फॉर्मूला फॉर चाय स्क्वेयर टेस्ट, तो सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, इसको जरूर याद रखिए। ड्यूरिंग मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन प्लांट प्रोड्यूसेस, तो ये प्लांट अब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस करता है। राइपनिंग के टाइम पे इथिलीन। ग्लैडुलस इज प्रोपोगेटेड बाय, तो ग्लैडुलस जनरली प्रोपोगेट करते हैं हम कॉम से, पोटैटो ट्यूबर से, ओनियन बल्ब से, बनाना सकर से, तो ये अलग अलग तरह के प्रोपोगेशन मेथड है, याद रखिए। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन मेज, तो मेज के मेज में क्रोमोजोम नंबर जो है 20 है, राइस का 24 है, 42 व्हीट का है। इफ़ यू वांट टू एस्टिमेट यूजफुल हेटरोसिस द जीनोटाइप इंक्लूड इन द ट्रेल इज, अब इसका थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ए और सी करेक्ट है क्योंकि हमें F1 और कमर्शियल कल्टीवर का डाटा जरूरी है। इन विच जनरेशन मैक्सिमम सेग्रीगेशन ऑकर, तो ये F2 जनरेशन में मैक्सिमम सेग्रीगेशन पाया जाता है, F1 में सेग्रीगेशन होता ही नहीं है। क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ जीनोटाइप्स एंड रिलीज ऑफ वैरायटी, तो इसका पहले हमें जीन BACED याद रखिए। प्योर लाइन थ्योरी गिवन बाय जॉनसन इन 1903 इन प्रिंसेस वैरायटी ऑफ राजमा, इसको भी याद रखिए। देन हेटरोसिस विल बिकम फिक्स्ड इफ इट इज मेनली ड्यू टू एडिटिव या फिर एडिटिव इनटू एडिटिव इफेक्ट्स, अगर हेटरोसिस है तो डेफिनेटली वो फिक्स हो जाती है। जीनोम नेम ऑफ ट्रिटिकेल जो है AABBRR है, AABBDD जीनोम जो है वो व्हीट का है, ये बाकी दो रॉन्ग है। वैसे द एंडोस्पर्म क्रोमोजोम ऑफ द कॉटन, अभी ये 39 है क्योंकि कॉटन का या कोई भी क्रॉप का 3N होता है, तो उसका 39। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है 1976 को न्यू दिल्ली, NBPGR। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 जो है वो सिंथिया रोसेनज्विक इनको मिला है, इस नाम को याद रखिए, आने का चांस है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग फूड क्रॉप्स दैट आर रिच इन बायो अवेलेबल माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसको हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। आजकल बायो फोर्टिफिकेशन जैसे गोल्डन राइस जैसी ब्रीडिंग करना फेमस हो गया है। मेज प्रोटीन इज डिफिशियंट इन, मेज के प्रोटीन में ट्रिप्टोफैन डिफिशियंट होता है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन अचीव्ड थ्रू, तो ये हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के माध्यम से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। सेमिडॉप वैरायटी IR8 वॉज डेवलप्ड इन फिलीपाइंस, हम गलती से ताइवान देते हैं, तो ये TN1 ताइवान में है। सोनालिका कल्याण सोना आर हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ, ये सोनालिका और कल्याण सोना जो है वो व्हीट की वैरायटीज है। लॉस ऑफ हेटरोसिस ड्यू टू कंटिन्यूस इनब्रीडिंग इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये हाइब्रिड विगर के अपोजिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटोरेट ड्रास्टिकली अपॉन इनब्रीडिंग, तो ये कैरोट में सबसे ज़्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखा जाता है जब हम उसको सेल्फिंग करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकोटिलेडन प्लांट, तो ये कॉर्न है, मेज, जितने भी सीरियल्स है हमारे वो मोनोकोटिलेडन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम हैज एक्सट्रैक्ट एक्सटेंशिवली यूजिंग इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क, तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन है, जिसको हम क्वीन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। मोनोसोमिक इज इंडिकेटेड बाय, तो वैसे ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, 2N-1, लेकिन पॉलीप्लॉडी ब्रीडिंग में आपको इसका पता होना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग प्रैक्टिस, तो ये मॉलिकुलर ब्रीडिंग जो है, ये बायोलॉजी है, ये क्लासिकल में नहीं है। ट्रिटिकम एस्टिवम इज, ये जो है अल्लो हेक्साप्लॉयड है, ट्रिटिकम एस्टिवम का जो प्लॉयडी लेवल है अल्लो हेक्साप्लॉयड है, 6x=42। ट्रिटिकल इज कॉल्ड एज मैन मेड सीरियल डेवलप्ड बाय रिम्पू 1890 में, ये रिम्पू ने इसको व्हीट और राई में क्रॉस करके डेवलप किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑफ म्यूटाजन, तो ये यूवी रे है जो मैक्सिमम टाइम यूज किया गया है ब्रीडिंग प्रोग्राम में। जगन्नाथ इज अ म्यूटेंट वराइटी ऑफ राइस, तो राइस का ये वराइटी है जगन्नाथ, बहुत बार क्वेश्चन इसके भी ऊपर आया हुआ है, ये किसका म्यूटेंट वराइटी है। देन जेनिया इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन द कैरेक्टर ऑफ एंडोस्पर्म, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th है, वो है इन पार्थेनोजेनेसिस, तो इसका आंसर है फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। देन ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, जो है वो वारायंस ऑफ जीनोटाइपिक वारायंस डिवाइडेड बाय फिनोटाइपिक वारायंस। द कंसेप्ट ऑफ प्योर लाइन वॉज प्रपोज्ड बाय जॉनसन, ये बहुत बार क्वेश्चन इसमें भी आया है, तो ये प्रिंसेस वराइटी में हुआ है राजमा के। प्लॉयडी लेवल ऑफ इडिबल बनाना, तो इडिबल बनाना जो है वो ऑटो ट्रिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट इन पेडिग्री मेथड इंडिविजुअल प्लांट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम F2 ऑनवर्ड, क्योंकि F1 में सेग्रीगेशन नहीं होता, F2, F3, F4, F5, F6 इनमें सेग्रीगेशन होता है, लेकिन धीरे धीरे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। SSD जो है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड जो है, यह बल्क मेथड का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि बल्क मेथड में लार्ज पॉपुलेशन जो वो ड्रॉबैक है। द जीन पिरामिडिंग ऑफ जीन्स XA4, XA5, XA13, XA21 इज एसोसिएटेड विथ राइस क्रॉप, ये राइस क्रॉप से एसोसिएटेड है। पूसा जय किसान जो है इज अ सोमैक्लोनल वेरिएशन ऑफ वरुणा, ये वरुणा वराइटी का सोमैक्लोनल वेरिएशन करके नया वराइटी डेवलप किया है। विच इज द ओल्डेस्ट ब्रीडिंग मेथड, तो ये सिलेक्शन जो है ये ओल्डेस्ट ब्रीडिंग मेथड है। अभी मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, म्यूटेशन है। हु यूज्ड एक्सरे फॉर प्रोडक्शन ऑफ म्यूटेशंस, तो ये मुलर ने सबसे पहले म्यूटेशन को और एक्सरे जो है, यस एक्सरे। द ओरिजिन ऑफ सनफ्लावर इज ब्लू टू बी USA, इसका हम ओरिजिन USA है ऐसा मानते हैं। देन नेक्स्ट 91th, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम फ्लावर बर्ड इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन, और इमैस्कुलेशन जो है इमेच्योर बर्ड को सेलेक्ट करके किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो इनब्रीडिंग हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं करते, ये हम होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करने के लिए करते हैं। प्लांट कैन बी डिसीज रेजिस्टेंस बाय, तो ब्रीडिंग विद देयर वाइल्ड रिलेटिव्स, अगर हमें डिसीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर ट्रांसफर करने हैं तो वाइल्ड रिलेटिव्स में ये बहुत अच्छे से होते हैं। मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग जब कब शुरू हुआ, तो ये 1900 में शुरू हुआ, जब मेंडल का रिडिस्कवरी किया गया, तब जाके हमें जेनेटिक्स के बारे में अच्छे से पता चला। प्लांट ब्रीडिंग इज अ टेक्निक ऑफ इम्प्रूविंग सभी एग्रीकल्चर क्रॉप, फॉडर क्रॉप, फ्रूट क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप, आप जितने भी क्रॉप्स हैं वो प्लांट ब्रीडिंग के मदद से इम्प्रूव करते हो। टोमेटो एंड पोटैटो बिलोंग्स टू, ये तो साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है।
द जियोमेट्रिक डिवाइस दैट हेल्प टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज पनेट स्क्वेयर। तो ये हम पनेट स्क्वेयर से जानते हैं। हाइब्रिड इन्वॉल्व फोर पेरेंट्स, तो ये डबल क्रॉस हाइब्रिड है जिसमें चार पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, थ्री वे में तीन, सिंगल में दो, पॉली में बहुत सारे होते हैं। क्रोमोसोम नंबर ऑफ ब्रासिका जुनसिया, तो आप अगर यू ट्रायंगल देखेंगे तो 36 है ब्रासिका जुनसिया का। होमोजाइगोसिटी हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो ये टेस्ट क्रॉस से हम होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। वीडियो ये है आपका पूरा प्लांट ब्रीडिंग के 100 ऑब्जेक्टिव्स, इसको अच्छे से याद रखिए। अगर आपको कोई कंसेप्ट में दिक्कत आ रहा है तो कमेंट दे दीजिए, मैं इसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद।